इन तमाम मामलात में एक मामले में भी अगर मोहतरमा असेंबली के अंदर एक लफ्ज भी अगर बोले हैं तो मैं इलेक्शन से दस्तबरदार होने के लिए तैयार हूँ, नहीं ठहरूंगा मैं इलेक्शन। कोशिश करते हैं आपको जीत को लाने के मदद करते हैं। हम हारने के बावजूद हिम्मत नहीं आ रहे, आगे बढ़ रहे। अब आपसे इंसाफ के लिए आए हैं, आप अगर मिल्लत के साथ और मेरे साथ इंसाफ करते हैं तो आगे बढ़ता हूँ। This video presented by Manur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bali Hill Circle Ring Road, Gulbarga. हर मामले में आगे बढ़ रहा हूँ, लड़ रहा हूँ, ठहर रहा हूँ। अब आपसे इजाजत लेने आए हैं, आप अगर साथ देते हैं बोल तो आगे बढ़ सकते हैं। एक एक मामला देख रहे हैं आप, हर चीज़ के अंदर लड़ रहे हैं, कैसा दाल ले रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं। बड़े बड़े नेशनल चैनल में भी बात कर रहा हूँ, बीजेपी का उसका मुतोड़ जवाब दे रहा हूँ। हम लड़ते जा रहे हैं आपके लिए, हम ठहर रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं। हमारे लोगों को जिसका एहसास नहीं है तो ना सिर्फ हारे तो भी उसका जीते जूझे, अभी भी हम वो पहले थे अभी भी वो करते बोले तो ये मतलब आप सब लोग इंसाफ करते बोले तो मैं आगे। मैं आपके बीच में ऐलान करने के लिए आया हूँ, अगर इन 5 सालों में इतने नाजुक मसाइल पर जो मुसलमानों के दिलों के करीब है, हमारी बच्चियों का लिबास हिजाब हमारे दिल के करीब है, अज़ा हमारी पहचान है, शरीयत हमारी पहचान है, इन तमाम मामलात में एक मामले में भी अगर मोहतरमा असेंबली के अंदर एक लफ्ज भी अगर बोले हैं तो मैं इलेक्शन से दस्तबरदार होने के लिए तैयार हूँ, नहीं ठहरूंगा मैं इलेक्शन। और बहुत से मामला अभी पेंडिंग है, आगे यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला, शरीयत में बहुत सारे जाविये से मुदाखलत करने की साजिशें हो रही हैं। और आपके बीच में ये बताने के लिए आया हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कोई सेकुलर लीडर बात नहीं कर सकता, उसको बात करने के लिए एक मुसलमान की ज़रूरत है, एक ऐसा मुसलमान जो कन्नड़ा में बात कर सकता हो, जिसमें कन्नड़ा जबान के ऊपर ये हो। ये तमाम चीज़ें हमारे सामने अभी भी बहुत सारे मसाइल हैं। आज कौम के अंदर, मिल्लत के अंदर, पार्टियों के नाम पर अगर आप वोट करते हैं, अब भाई हम पहले से वही फला पार्टी को वोट डालते थे, फला वही काम करते थे, अगर ये काम होगा तो ये मिल्लत के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। ये बात आपको मैं आगाह करने के लिए आया हूँ, आप मिल्लत के साथ इंसाफ कीजिए। आपका ही भाई है नासिर हुसैन उस्ताद, आप मेरे साथ अगर इंसाफ करेंगे, आप इंसाफ करने का साथ देने का वायदा करेंगे तो आगे जब तक जिंदा हूँ लड़ता रहूंगा, इन फासिस्ट ताकतों के आंख में आंख मिलाकर उनका मुंह तोड़ जवाब देने का काम आपका ये भाई, आपका ये बेटा करेगा। मैं आपसे पूछने आया हूँ, आपसे पूछने आया हूँ, इजाजत लेने आया हूँ, क्या मैं आगे बढ़ूं? आगे बढ़ो। आप अपने दिल से अगर मेरा साथ दे देंगे तो जोर से बोलिए मेरा साथ देंगे इंशाल्लाह। हाथ उठाकर बोलिए हम साथ देंगे, साथ हैं पार्टियों के साथ, पार्टियों का साथ देने के नाम पर मिल्लत के साथ ना इंसाफी नहीं करेंगे आप, मुसलमानों के साथ ना इंसाफी नहीं। सब साथ देना है, सब लोग वायदा है आपका, सारी चीज़ें देख तो आप वायदा करते हैं तो आगे ठहर सकते हैं, हम कर सकते हैं, वायदा है आपको, आपका साथ दे तो सही, क्या करना है लेकिन फिर ना नहीं करना इंशाल्लाह, फिर ये हमारा ऑर्डर आपके पास, आपका एक वोट नहीं होना मेरे को, आपके दोस्त के पास रिश्तेदारों को सब लोगों को बोलेंगे आप इंशाल्लाह, मतलब सब साथ सोट है नहीं, अब आप लोग कुछ साथ देते हैं बोलते हैं तो आगे आप लोगों को अभी से लोगों को अपने दोस्तों को रिश्तेदार को बोला देश ही लगड़ा हो गया है, उठाना उठाने का ताकत से पानी नहीं है मस्जिद का पानी लाती, आप बताइए हम तो आपके भरोसे, ये मेरा वायदा है, मैं आपको उसका इंतजाम करा रहा हूँ, गड़बड़ करो पीने का पानी का भी, हमारे 10 साल से सुन रहे हैं हर मस्जिद के 10 साल से 24/7 हर घर को पानी आता पड़ता है, 5 वार्ड को अभी तक पहली नहीं, एक मेरे को एक बार देख 40 साल से एक ही घर को दे देना, एक बार देख दे के देख देख उसके बाद जीतने के बाद अगर नहीं करें कोशिश करते हैं आपको जीत को लाने के मदद करते हैं। क्या भाई, हाँ मैं आपके भरोसे पे आगे बढ़ रहा हूँ, आप लोग अभी से लोगों को सबको बोलना, आप अगर साथ देते बोल तो हिम्मत से आगे बढ़ सकते हैं, दोस्त है सब कुछ बोलने का वायदा।
ये इलेक्शन मेरा नहीं है, ये इलेक्शन आपका इलेक्शन समझ करे तो इंशाल्लाह एक ताकत बनती है, साथ देंगे। ज़िले में एक सीट हमारे मुसलमानों की अक्सरियत की है, ऐसे सीट पर जबान रहस वाला होना क्या गुंगे होना, इलेक्शन नासिर उस्ताद का इलेक्शन नहीं, ये इलेक्शन मिल्लत का इलेक्शन, हर मुसलमान हर सेकुलर हिंदू इस इलेक्शन को खुद कैंडिडेट समझ के इलेक्शन करे तो इलेक्शन होता है। क्या भाई आप सब लोगों का वायदा है साथ देने का, कोई बोले तो अरे बीजेपी जीतती नासिर को वोट डाले बोलते आते हैं उसके पास आप बचा क्या भी नहीं, आप उनको इतना बोल रहे भाई हमारा वोट कांग्रेस को तो कांग्रेस जीतती नासिर को डाले तो एक नहीं जीतता नासिर बोलते वो पूछना होना नहीं, तुम्हारे घर के एक पांच वोट है उसको डाले तो पांच गिने जाते, मेरे डाले तो भी पांच ही गिनते नहीं, तो इसलिए सब एक होकर तुम बोलोगे हम सब तय करें नासिर उस्ताद का साथ देने के लिए आप भी साथ दियो बोल के बोलना को चलने वाले होना क्या तो भी कर रही नाले रही नाला भरे लाखो परेशान हो रहे नहीं, ये इलेक्शन नालियों का इलेक्शन नहीं है, ये रोडों का इलेक्शन ड्रेन का वो काम करेंगे मगर ये इलेक्शन फैसला उस पर नहीं होना, ये कॉर्पोरेशन का इलेक्शन था नालियों का हो गया वो, अभी इलेक्शन पूरे जिले में मुसलमानों की एक सीट है, इसीलिए मुसलमानों के लिए कौन बेहतर हो सकता है, कौन लड़ सकता है, कौन आपकी आवाज उठा सकता है असेंबली में, आना क्या भाई है हमारे साथ में हालाती जो भाई है हमारे खत्म ही चल गया, मेहनत आपके जिम्मे है वो तो मेहनत तो हमेशा उनके लिए अभी से सब लोगों को जरा बात करना शुरू कर दीजिए, आपके लिए लड़ रहा हूँ तो इसीलिए आपको ही पूछने के लिए आया, आप साथ दे दें तो आगे बढ़ सकते हैं, वायदा करना और दोस्तों को रिश्तेदारों को बोले वायदा है सर, हम हारने के बावजूद हिम्मत नहीं आ रहे आगे बढ़ रहे, अब आपसे इंसाफ के लिए आए हैं, आप अगर मिल्लत के साथ और मेरे साथ इंसाफ करते हैं तो आगे बढ़ता हूँ, हाँ वायदा है आपका, सब लोगों को बोलेंगे नासिर उस्ताद को साथ दे बोलते वायदा है साथ देंगे, इस तरह सब लोग खुल के इस बार आप सब लोग साथ देंगे दुआ करेंगे इंशाल्लाह, हाँ मेरे को वायदा करना इंशाल्लाह।